हेलो दोस्तों, मेरा नाम सुमित कटारिया। सामने आप ये गाड़ी देख रहे हैं, ये है टोयोटा ग्लेंजा का एस वेरिएंट। तो भाई ये जो गाड़ी है ना भाई, अलग ही जो है लुक देती है। वो कैसे चले मैं आपको बताता हूँ। सामने आप ये लुक देख रहे हैं इसके बम्पर का, भाई अलग ही लुक है इस गाड़ी का। और प्लस इस गाड़ी के अंदर खास बात है, जो कि हम आफ्टर मार्केट चीज़ें कराते हैं, बट कंपनी ने इस गाड़ी के अंदर पहले से दिया गया, वो है कार्बन फाइबर फिनिश। भाई इससे ना गाड़ी जो है काफ़ी जो बढ़िया लगती है। जैसे कि आप भी देख रहे हो, ऊपर जो है यहाँ पे हनीकॉम पैटर्न डिज़ाइन दिया गया लोअर ग्रिल पे, बट आपको जो है यहाँ पे कार्बन फाइबर का फिनिश दिया गया, जिससे जो गाड़ी काफ़ी जो बोल्ड और मस्कुलर लगती है। प्राइसिंग की अगर मैं बात करूँ तो आपको जो 7.48 लैक्स की एक शोरूम पड़ती है, और मैं फ़िलहाल हूँ ग्रैंड टोयोटा मेरठ के अंदर। तो बेस्ट डील के लिए और ऑन रोड प्राइस के लिए आप जो डिस्क्रिप्शन में नंबर दिया गया, तो आप जो कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो हेडलाइट्स की अगर मैं बात करूँ तो हेडलाइट्स आपको जो है ये दी गई है, आपको जो है प्रोजेक्टर हेडलाइट्स मिलते हैं, बट ये जो है आपके हेलोजन के अंदर ही रहने वाले हैं। इंडिकेटर आपको यहाँ दिया गया है, जो कि यहाँ की साइड रहने वाला है, और यहाँ जो आपकी क्रोम दी गया है, जो कि काफ़ी बढ़िया लग रहा है। टोयोटा की बैजिंग दी गई है यहाँ पर, जो कि ये है। तो ऑल ओवर जो उस गाड़ी का फ्रंट लुक है ना, काफ़ी जो है बढ़िया दिया गया। अगर मैं विड्थ की बात करूँ तो आपको जो है 1745 mm की इस गाड़ी की विड्थ मिलती है, जो कि अच्छी खासी चौड़ी गाड़ी है। तो आप जो इस गाड़ी के अंदर कंफर्टेबली बैठ सकते हैं। यहाँ पे आपको जो क्रोम यूज़ करा गया है, तो ये जो क्रोम यूज़ करा गया ना, जो हाईलाइट्स दी गई हैं क्रोम की, वो जो काफ़ी बढ़िया लग रही है। मतलब ये जो अंदर हेडलैम्प्स के अंदर भी क्रोम दिया गया है ना, वो जो काफ़ी बढ़िया लग रहा है। तो ये बात रही ऑल ओवर इस गाड़ी के फ्रंट लुक के बारे में। अब मैं बात करता हूँ इस गाड़ी के साइड लुक के बारे में। काफ़ी जो अच्छा साइड लुक दिया गया है। ए पिलर आपको जो ब्लैकआउट दिया गया है, बी पिलर भी आपको जो ब्लैकआउट दिया गया, सी पिलर जो कुछ इस टाइप का दिया गया है, जो कि ये रहने वाला है। यहाँ पर क्वार्टर ग्लास दिया गया, जिससे जो है गाड़ी अंदर क्लॉस्ट्रोफोबिक नहीं लगेगी। तो अंदर जो है कैबिन काफ़ी रूमी रहने वाला है। और ओवारियम्स की अगर मैं बात करूँ तो आपको जो है इलेक्ट्रिकल एडजस्टेबल फोल्डेबल दोनों ही रहने वाले हैं, ऑटो फोल्ड का नहीं है इसमें। यहाँ पर इंडिकेटर दिया गया है। टायर सेक्शन की अगर हम बात करें तो टायर सेक्शन आपको जो है 185/65 R15, तो 15 इंच के आपको जो है रिम दिए गए हैं, जिस पे जो है व्हील कवर भी दिया गया, जो कि काफ़ी बढ़िया है और अच्छी क्वालिटी का दिया गया है। तो ग्राउंड क्लियरेंस की भी बात कर लेते हैं। भाई इस गाड़ी के अंदर ग्राउंड क्लियरेंस कैसा मिलता है, क्योंकि भाई प्रीमियम हैचबैक के अंदर थोड़ा कमी मिलता है, पर इस गाड़ी के अंदर जो है 170 mm का ग्राउंड क्लियरेंस मिलता है, जो कि काफ़ी अच्छा खासा ग्राउंड क्लियरेंस दिया गया है। इंडियन रोड के हिसाब से जो है अच्छा खासा प्रैक्टिकल ग्राउंड क्लियरेंस दिया गया है इस गाड़ी के अंदर। तो ये है इस गाड़ी का साइड लुक, जैसे कि आप ये देख सकते हैं। अगर मैं बात करूँ इस गाड़ी के रियर लुक के बारे में, तो भाई वही कहानी है। जैसा इसका फ्रंट लुक है ना, ऐसे इसका जो है बैक लुक है। थोड़ी सी आपको जो है लाइट कम आ रही होगी, थोड़ा सा यहाँ पे लाइट का इशू है, बट कोई दिक्कत नहीं। तो आपको जो है ये साइड में आपको LED टेल लैम्प्स दी गई हैं, यहाँ पर इंडिकेटर, यहाँ पर रिवर्स लैम्प, यहाँ पर एस वेरियंट की बैजिंग, जो कि सेकेंड बेस वेरियंट रहता है। यहाँ पर रिफ्लेक्टर्स, 4 पार्किंग सेंसर दिए गए हैं, और जो है कुछ इस टाइप का इस गाड़ी का लुक है, जैसे कि आप ये देख ही सकते हो। ऊपर जो है आपको बेसिक एंटीना ही मिलता है, हाई रूफ स्टॉपलम आपको दिया गया, रियर डिफॉगर मिलता है, वाइपर आपको जो है नहीं मिलेगा इसके अंदर ग्रैंड टोयोटा। तो आप जो यहाँ भी कॉन्टैक्ट कर सकते हो, बाकी डिस्क्रिप्शन में आपको जो मिल ही जाएगा। बूट स्पेस की अगर मैं बात करूँ इस गाड़ी की, तो बूट स्पेस आपको जो है यहाँ से ओपन होगा, और यहीं जो है आपको बटन भी दिया गया। तो 318 लीटर का आपको जो बूट स्पेस दिया गया इस गाड़ी के अंदर, जो कि अच्छा खासा बूट स्पेस दिया गया, और काफ़ी जो डीप है, और यहाँ भी जो आपको स्पेस दे रखी है, और यहाँ की साइड बात करूँ यहाँ भी स्पेस रखी है। स्पेयर व्हील की अगर मैं बात करूँ इस गाड़ी की, तो स्पेयर व्हील जो है कुछ ये दिया गया है आपको, जो है 185/65 R15। तो 15 इंच का आपको जो रिम दिया गया है इस गाड़ी के अंदर, जो कि काफ़ी अच्छी बात है। यहाँ पे पार्शियल टे दी गई है, ऊपर भी आपको जो है ट्रिम दी गई है, जिसकी वजह से कोई भी पार्ट एक्सपोज नहीं है इस गाड़ी के अंदर। तो ये बात रही इस गाड़ी के बूट स्पेस के बारे में। अगर मैं फ्यूल टैंक कैपेसिटी की भी बात करूँ ना, तो इस गाड़ी के अंदर 37 लीटर्स का फ्यूल टैंक कैपेसिटी मिलती है, जो कि काफ़ी अच्छी खासी कैपेसिटी दी गई है। तो ये बात रही इस गाड़ी के ऑल ओवर बैक लुक के बारे में। चलिए अब बात करते हैं इस गाड़ी के रियर डोर के बारे में। आपको जो यहाँ पे सॉफ्ट टच दिया गया, जो कि ये रहने वाला फैब्रिक के अंदर ही रहने वाला है, जो कि यहाँ भी सॉफ्ट टच ही दिया गया। यहाँ पे पावर विंड कंट्रोल्स, यहाँ पे स्पीकर रिप्लेसमेंट, 4 स्पीकर आपको मिलते हैं, यहाँ पे 1 लीटर की बॉटल की स्पेस। यहाँ पे आपको जो डोर हैंडल, जो कि मैट ब्लैक के अंदर रहता है, क्रोम के अंदर होता ज़्यादा बढ़िया होता। बाकी जो सीट ये रहने वाली है, जो कि ये है 60-40 स्प्लिट आपकी सीट नहीं रहेंगी, और बाकी जो फिक हेडरेस्ट मिलते हैं, आर्मरेस्ट आपको नहीं मिलता। चलिए अब सीटिंग की बात करते हैं, तो सीटिंग में कुछ इस तरीके का इस गाड़ी के अंदर कंफर्ट मिलता है। काफ़ी अच्छी खासी कुशनी सीट दी गई है इसके अंदर,
रिक्लाइन एंगल जो है काफ़ी अच्छा दिया गया और थाई सपोर्ट भी काफ़ी बढ़िया मिल रहा है और लेग स्पेस भी काफ़ी अच्छी दी गई है। हम भी जो है थोड़ा सा बढ़ा दिया गया बट कोई दिक्कत नहीं, कंफर्टेबल राइड हो सकती है। बाकी 12 वॉट का आउटपुट, यहाँ पे स्पेस जो कि यहाँ की साइड दी गई है और ग्रैब हैंडल आपको 3 मिलते हैं, ड्राइवर साइड आपको नहीं मिलेगा। यहाँ पर आपको जो है लैंप दिया गया जो कि रहने वाला है, बाकी ये अगर LED के अंदर होता और बेटर हो सकता था। तो ये बात रही इस गाड़ी के रियर सीट के बारे में। चलिए अब बात कर लेते हैं इस गाड़ी के फ्रंट डोर के बारे में। तो फ्रंट डोर जो कुछ ये दिया गया है, थोड़ा सा आपको विजिबल कम हो रहा होगा बट यहाँ पे आपको जो है 4 विंग कंट्रोल्स, यहाँ पे ओवर विंग कंट्रोल्स, यहाँ पर आपको जो है मैट ब्लैक के अंदर डोर हैंडल, 1 लीटर का वाटर स्पेस, स्पीकर की प्लेसमेंट और जो है वही सॉफ्ट टच आपको जो है यहाँ भी दिया गया जो कि काफ़ी जो है बढ़िया लग रहा है। बाकी हाइट एडजस्टेबल सीट आपको नहीं मिलती है, फैब्रिक सीट्स मिलती है और सीट का साइज़ देख रहे हो भाई काफ़ी जो बढ़िया, तो आपको जो कम्फर्टेबल राइड हो सकती है। यहाँ पे स्टार्ट अर्लिंग सॉफ्ट टॉप का बटन, यहाँ पे पियानो ब्लैक फिनिश और मैट ब्लैक के अंदर ही आपको जो है ये सीमेंट दिया गया है। तो भाई ये तो हो गई सारी अंदर की बात, बाहर की बात अब अंदर की बात कर लेते हैं। तो स्टेयरिंग से बात करते हैं, बस स्टेयरिंग आपको जो ये दिया गया है, टिल्ट मिलता है, बाकी आपको जो है यहाँ पे स्टेयरिंग माउंटेड कंट्रोल्स मिलते हैं, यहाँ पे भी आपको जो फ़ोन रिसीव कट करने का जो है बटन्स मिलते हैं, यहाँ पे आपको वाइपर कंट्रोल्स और यहाँ की साइड आपको जो है हेडलैम्प्स के कंट्रोल मिलते हैं जो कि ऑटो हेडलैम्प्स इस गाड़ी के अंदर नहीं दिए गए हैं। डैशबोर्ड कुछ ये रहने वाला है इस गाड़ी का जो कि ये है। अगर मैं बात करूँ इस गाड़ी की के बारे में, तो की आपको जो ये दी गई है, आपको दोनों ही जो सेंटर लॉक वाली की दी गई जिसमें लॉक और अनलॉक का जो है बटन दिया गया है और जो है कुछ ये रहने वाली है। मैं इस गाड़ी को जो है इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर भी आपको जो है एक बार दिखाई देता हूँ। इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर आपको जो है ये देगा, यहाँ पे आपको RPM मीटर, बीच में आपको MID और यहाँ पे आपको स्पीड मीटर देगा, यहीं से आप जो है डिस्टेंस ट्रिप ए ट्रिप बी और जो सब कुछ आपको जो है यहाँ से इंफॉर्मेशन मिल ही जाएगी। और जो है यहाँ पे 7 इंच का म्यूजिक सिस्टम मिलता है इस गाड़ी के अंदर जो कि आपको एप्पल कार पे एंड्रॉयड ऑटो सब कुछ जो है इसके अंदर मिलेगा। बाकी यहाँ पे आपको जो AC वेंट दिएगा और ऑटोमेटिक AC आपको जो दिएगा जो कि मतलब काफ़ी अच्छी बात है भाई। आपको सेकंड बेस वेरिएंट के अंदर जो ऑटोमेटिक AC दिया गया, यहाँ पे 12 वॉट का आउटपुट, यहाँ पे USB पोर्ट, यहाँ पे स्पेस और यहाँ पे 2 कप होल्डर जो है दे रखे हैं, यहाँ पे 5-स्पीड मैमा गियरबॉक्स और यहाँ की साइड आपको जो हैंडब्रेक दिया गया। अगर ग्लो बॉक्स की अगर मैं बात करूँ तो ग्लो बॉक्स आपको जो है कुछ इसका इस टाइप का देगा, आपको डिसेंट अमाउंट का ग्लो बॉक्स मिलता है। कोडा से एंटी मिरर की बात करें तो आपको दिया गया, यहाँ पे लैंप दिया गया जो कि LED के अंदर नहीं है और ड्राइवर साइड अगर एंटी मिरर की बात करें तो आपको नहीं दिया गया। डैशबोर्ड की अगर मैं बात करूँ काफ़ी अच्छा क्लासी डैशबोर्ड दिया गया है, खासकर ये पियानो ब्लैक फिनिश जो है ना काफ़ी बढ़िया लग रहा है और डुअल टोन के अंदर जो दिया गया ना काबिलियत तारीफ है भाई, अलग ही जो है मतलब प्रीमियमनेस दे रहा है, काफ़ी जो है बढ़िया दिया गया। IRV हमको डे नाइट दिया गया तो यहाँ पर जो है कोई कॉस्ट कटिंग नहीं करेगी जो कि काफ़ी अच्छी बात है। तो ये बात रही ऑल ओवर इस गाड़ी के इंटीरियर के बारे में। अब मैं बात करता हूँ इस गाड़ी के इंजन के बारे में। तो इंजन आपको जो है ये दिया गया, आपको जो है 12 cc 4 सिलेंडर इंजन दिया गया जो कि 89 BHP की पावर प्रोड्यूस करता है। माइलेज की अगर मैं बात करूँ तो आपको जो 15-16 सिटी के अंदर हाईवे पे जो है 20-21 आराम से दे देगा ये इंजन। 113 Nm का टॉर्क प्रोड्यूस करता है ये इंजन, 4 सिलेंडर इंजन है तो आपको पता ही है काफ़ी जो रिफाइंड इंजन रहने वाले। ऊपर आपको इंसुलेशन भी दी गई है जिसकी मदद से जो आपको कैबिन नॉइस कम आएगी इस गाड़ी के अंदर। आपकी टोयोटा ग्लैंजा S वेरियंट कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा आपको ये गाड़ी कैसी लगी। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा।